कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के चौथे चरण में उत्तराखंड से शादी के लिबास में आए दूल्हा दुल्हन का बॉर्डर पर ही निकाह पढ़ाया गया, वो भी महज इसलिए कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे राज्य में जाने की अनुमति नहीं दी थी। सड़क किनारे बॉर्डर पर निकाह की रस्म पूरी करके दूल्हा अपने चार साथियों के साथ दुल्हन को अपने घर उत्तराखंड ले गया। दरअसल दूल्हे की पोशाक में सड़कों की धूल फाक रहे ये जनाब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के रहने वाले मोहम्मद फैसल हैं, जो अपने चार साथियों के साथ बिजनौर के नगीना की रहने वाली दुल्हन को लेने के लिए बारात लाया था। बारात को यूपी उत्तराखंड की सीमा पर रोक दिया गया, वो भी महज इसलिए कि उत्तराखंड सरकार ने दूसरे स्टेट में जाने की इजाजत नहीं दी थी, बल्कि बॉर्डर तक ही जाने की इजाजत दी गई थी। इसी के तहत बॉर्डर पर मौलवी ने दूल्हे का निकाह पढ़वाया। दुल्हन भी बॉर्डर पर ही मौजूद थी। चंद लोगों की देखरेख में निकाह की रस्म अदायगी के बाद दूल्हा अपने साथ दुल्हन को ले गया। इधर आ, पीछे से आ जाओ, साइड से। अरे बात सुन, आता है। अरे देख क्या गिरा रही यार। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। जी आपकी आज बॉर्डर पर शादी हुई है, तो किस तरीके से परमिशन मिली, कितने लोग आए? मेरी बारात में सिर्फ चार लोग आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मैं, टिहरी गढ़वाल। अच्छा, वहाँ से जो है आपने किससे परमिशन ली यहाँ पर? जिलाधिकारी। अच्छा, उन्होंने बॉर्डर पर परमिशन दी। जी सर। लड़की पक्ष के कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। कौन सी जगह? नगीना। अच्छा, उधर से दुल्हन पक्ष के साथ कितने लोग आए थे? सिर्फ तीन लोग आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर शादी हो गई। जी। अब दुल्हन को लेकर आप उत्तराखंड जा रहे हैं? जी।